नमस्कार दोस्तों, नॉलेज की चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए, जो इंतजार कर रहे थे डीडी सिनेमा चैनल की मूवीज का चैनल जिसका इंतजार हो रहा था उसके बारे में सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। ये दो चैनल कौन से नए मिलने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये गुड न्यूज ये है, हमारे सोर्स के मुताबिक हमें पता चला है कि कल से ही इसकी टेस्टिंग शुरुआत की जा रही है, यानी कि इसको टेस्ट किया जाएगा। प्रसार भारती डीडी फ्री डिश इसको टेस्ट कर सकता है, जो हमें हमारे सोर्स के मुताबिक न्यूज मिली है। कल से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी डीडी सिनेमा को टेस्ट करने की। ये चैनल की प्रक्रिया 15 दिन तक चल सकती है, जो न्यूज मिल रही है कि 15 दिन तक इसको टेस्ट किया जाएगा, इसको चलाकर देखा जाएगा कि ये कैसा चल रहा है, यानी कि वो अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे 15 दिन और उसके बाद इसको लॉन्च कर सकते हैं जल्द ही। यानी कि जो हमने आपको डेट बताई थी कि ये नवंबर के पहले हफ्ते तक मिल सकता है, तो वही बात आ रही है कि ये चैनल डीडी सिनेमा जो मूवीज का चैनल जो सभी को टक्कर देने के लिए आ रहा है, ये चैनल नवंबर में ही जाकर मिलेगा और ये प्राइवेट डीटीएच पर पेड वर्जन होगा। वहां पर ये चैनल ₹3 का मिलेगा, चाहे वो केबल टीवी पर देखना चाहता हो, चाहे वो प्राइवेट डीटीएच पर, चाहे कोई डैन फास्टवे हटवे कहीं पर भी हो, जीटीपीएल हो, वहां पर ₹3 का चैनल मिलेगा। पर डीडी फ्री डिश के यूजर को ये बिल्कुल फ्री में मिलेगा और नवंबर के पहले हफ्ते से मिल जाएगा। यानी कि 15 दिन का अब प्रक्रिया चलेगी इनकी टेस्टिंग की, इसको चलाकर देखेंगे स्लॉट पर वो अपने मुताबिक। वो हमें तो नहीं पता चलेगा कि ये 15 दिन की टेस्टिंग कैसे हो रही है, पर वो अपनी तरफ से इसको टेस्ट कर देखेंगे डीडी फ्री डिश वाले। और दूसरी जो न्यूज मिल रही है वो मिल रही है जी वाजपा चैनल पर, ये एक मराठी चैनल है, ये भी जल्दी मिल सकता है। पर यहाँ पर एक बात बतानी जरूरी है, जब भी कोई चैनल MPEG 2 बॉक्स में आता है या MPEG 4 बॉक्स में आता है तो वो नीलामी की प्रक्रिया से गुजर कर आता है। यानी कि जो डीडी सिनेमा चैनल मिलेगा उसके लिए नीलामी कोई नहीं होगी, क्योंकि वो डीडी वालों का, दूरदर्शन का अपना चैनल है, वो तो डायरेक्ट दे दिया जाएगा। किसी भी समय इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है आज से तकरीबन 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, कभी भी इसकी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। पर जो जी बाजवा चैनल है इसकी, इसको नीलामी से गुजरना पड़ेगा। अगर ये MPEG 2 बॉक्स में मिलेगा तो सभी MPEG 2 यूजर को कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 50वीं नीलामी होगी MPEG 2 बॉक्स के लिए वो दिसंबर में हो सकती है। तो यानी कि ये चैनल हमें जी बाजवा चैनल, जो मराठी चैनल है, जो मराठी महाराष्ट्र के यूजर हैं या मराठी लैंग्वेज जो जानते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज है कि उनको एक मराठी का चैनल मिलने जा रहा है, पर ये दिसंबर में ही मिल सकता है। अगर ये MPEG 4 बॉक्स में आएगा तो ये नवंबर के मंथ में ही पार्टिसिपेट कर जाएगा। यानी कि इस चैनल का, ये जी का चैनल जल्दी ही पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि आने वाले कुछ ही समय में ये पार्टिसिपेट करेगा और ये हमें MPEG 2 बॉक्स में देखने को मिलेगा। उम्मीद इसकी MPEG 2 बॉक्स पर ज़्यादा है, क्योंकि जी के ज़्यादातर चैनल MPEG 2 बॉक्स में देखने को मिलते हैं। जैसे इस पर कोई और अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी। दोस्तों थैंक यू।